अपनी बकवास को ताजा जाओ और फर्जी नहीं तो कठोर जाओगे और फर्जी पर लगे जाओगे। अरे बाबा, हमारे पास को देने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें तो अन्न भी मिलता नहीं, विवाह करने को कहाँ से लाए पैसा, नहीं है दंड भरने को। फिर वैसा ही हमारा चला बैठे हो और सारे बड़े शोर मचा रहा है। हाहाकार से हाहाकार पर उठा रखा है भाई, हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, यह पवित्र नाम लेकर अपने पापों का दमन कर रहे हैं। जाओ वृथा ना सताओ, एक बार पार दिया जल्दी लाओ। नहीं तो राव राव राज्य से तुरंत निकल जाओ। निकल कर कहां जाए, और जब दमंडी भी ना हो राज कर कहां से चुकाए। लाओ लाओ, यदि तुम्हारे हमारे पास भी नहीं है तो हो मेरे कष्ट न हो,
अवश्य ऐसा ही होगा। को दृष्टि से मेरी बचना ना कोई पाएगा, आएगा जो सामने वो भी पिछड़ा जाएगा। देव गंधर्व दानव और किन्नर कौन है, मैं तीनों लोगों का स्वामी, मुझसे बढ़कर कौन है। पिताजी जय शंकर, जय शंकर। पिताजी सारे गई है, बड़े 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 आदिवासी झुका गई है, और सारे बारे प्रकृति और प्रकृति हमारे ऋषि मुनि मुनिते हैं। मुझे जैसे समर्थन की आवश्यकता है, परंतु इस घरे घरे हो महाराज, इसमें ऋषि मुनियों का जो करके परंतु चल चल उन्होंने वो क्या क्या यही यही थी यह रूप रूपेगा और कर 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 हम सबको भरे करेगा, रूप भरे करेगा, झूठ बिल्कुल झूठ। क्या नियम के विरुद्ध रक्त से चीन उत्पन्न हो सकते हैं? नहीं कदापि नहीं। ले जाओ इसे नियम देने की सीमा में गाड़ो, जैसी आपके आगे पिताजी हर हर जय शंकर, जय शंकर। अयोध्या नरेश राजा दशरथ की जय। किंतु ऐसे बहुत बहुत घोड़े होंगे जो राजा के हितैषी और धर्मज्ञ समझे जाते हैं। जिस प्रकार से राजा का प्रेम प्रजा के प्रति दृढ़ बनाने वाला होता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। महाराज हेलो, नीति ने कहा है जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, एक झंडा बनाना बड़ा, जिस घर में दीपक नहीं, डेढ़ मीटर लाया वा। वा, वा, मरघट के समान होता है महाराज, छोटा तो नहीं बनेगा।
छोटा तो नहीं बनेगा? हाँ ठीक है, बना लो बना लो। ठीक है ठीक है, ये ठीक है। श्रवण मात्र भक्त संसार में
श्रवण एक अवतार। गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं आया मैं, बालक बनकर आया हूँ तुम्हारे द्वार पर हे नाथ, याचक बनकर आया हूँ। हे सुकुमार अपनी इच्छा प्रकट करो। गुरुजी मेरी इच्छा का भाव आपसे छुपा नहीं है, आप जानते हैं मेरे माता पिता अंधे हैं, उनका अंधापन मुझे दिन रात जलाए रखता है। कृपा करके कोई विधि बताइए जिनसे उनका अंधापन दूर हो जाए। बेटा अंधापन दूर करने के लिए तुम्हें कुछ कष्ट सहन करने पड़ेंगे। गुरुजी, मैं उनकी आंखों की ज्योति के लिए अपने नेत्रों की ज्योति भी प्रदान कर सकता हूँ तथा धधकती हुई अग्नि में प्रवेश कर सकता हूँ। अच्छा बेटा, यदि ऐसा है तो हम तुम्हें उनके अच्छे होने के विधि बतलाते हैं। तुम उनको 68 तीर्थों की यात्रा करवाओ, इसी से उनका अंधापन दूर हो सकता है। गुरुदेव मैं आपके समक्ष इस भरे दरबार में सौगंध खाता हूँ, या तो अपने माता पिता को 68 तीर्थों की यात्रा करवाऊंगा या फिर इसी समय जिंदा चिता में जल जाऊंगा। परंतु तुम उन्हें घोर जंगलों में कैसे ले जाओगे? बना कर लाठ कावड़ की उसमें उन्हें बिठाऊंगा, बैठा कर तंत्रों पर उन्हें तीरथ करवाऊंगा। प्रभु जो साथ है मेरे ना ये काम मुश्किल है, मिलेगा चैन जो उनको ऋण अपना चुकाऊंगा। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति धन्य है। बेटा ईश्वर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करे। श्रवण कुमार की जय। आपने बहुत ही सुंदर दृश्य देखा, मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार किस तरह अयोध्या नगरी में पहुंचते हैं। अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी अपने दरबार पे बड़े ही खूबसूरती ढंग से श्रवण कुमार का आदर करते हैं और मातृ पितृ भक्ति श्रवण कुमार को उनके नगरी में आने का किस प्रकार हुआ हाल चाल पूछते हैं। श्रवण कुमार जी बताते हैं कि उनके माता पिता अंधे हैं और उसका उपाय करवाना चाहते हैं कि उनकी दृष्टि किस प्रकार, आंखों की रोशनी किस प्रकार वापस लाई जाए। तो वहां बैठे ऋषि मुनि कहते हैं कि आप अपने माता पिता को 68 तीर्थ की यात्रा करवाइए तो वो ठीक हो जाएंगे। वहाँ एक भाव मिला बहुत ही
सुंदर शब्द लिखे थे इस रामायण में, जो कहा था बेटा शरण कुमार ने कि अपने माता पिता को वो ठीक करने के लिए, आंखों की दृष्टि को वापस लाने के लिए वे अपने दोनों नेत्रों को भी दान कर सकते हैं और उनको दृष्टिहीन से दृष्टि में लाने के लिए वो अपने आप को धधकती आग में, धधकती ज्वाला में भी अपने आप को जो है प्राण दे सकते हैं। तो बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़ी बात थी और बहुत ही बड़ा कार्य था और बहुत ही सुंदर शब्द थे। हमें इस बात का भी अनुसरण करना चाहिए कि हम अपने परिवार के लिए कितने कितने हम कार्य कर सकते हैं। बहुत ही अचंभित करने वाले शब्द, बहुत ही अनुसरण करने वाले शब्द आपने सुने। आइए आपको लिए चलते हैं अगले सुंदर दृश्य की ओर, जहां मातृ पितृ भक्त शरण कुमार कांवड़ की कांठी बनाकर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा की ओर प्रस्थान करवाते हैं और रास्ते में उन्हें प्यास लगती है। जैसे ही वे पानी मांगते हैं तो शरण कुमार पानी का करबंडल लेकर जय श्री राम पानी का करबंडल लेकर पानी के लिए जाते हैं। और पानी के लिए जाते हैं तो वहां पर राजा दशरथ जहां शिकार करने गए होते हैं और शिकार करते करते उनका तीर लगना, बड़ा ही सुंदर और मार्मिक दृश्य अवश्य देखिए। जय श्री राम। गंगा समान पवित्र माता, यह मेरे पूर्व जन्मों का पाप है जो आपको अंधा होने का संताप है। बेटा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? विधाता को यही मंजूर था। बेटा, प्यास लगी है, यदि हो सके तो जल ढूंढ कर लाओ और हमारी प्यास बुझाओ। हाँ बेटा, प्यास मुझे भी लगी है। जो आज्ञा पिताजी। दुनिया में तेरा है बड़ा
तुझसे पड़ गया काम, दुनिया में तेरा है बड़ा लाज, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। परमेश्वर कुछ तो डर
मुझ पर इतना सितम ना कर, मुझे पापा भागी ना बना, जल्दी से वह स्थान दिखा जहां मैं जल भर कर ले जाऊं और अपने माता पिता की प्यास बुझाऊं। निर्मल जल का तालाब तो मेरे ही समीप है, जल्दी से जल भर कर ले जाता हूँ और अपने माता पिता की प्यास बुझाता हूँ। होशियार हो जा खूनी दरिंदे, पशुओं से बचने के लिए तैयार हो जा, वरना पापी के वार से तू बचने ना पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। छोड़ता हूँ अभी इस शब्द भेदी बाण को, देखते ही देखते ले लेगा इसके प्राण को, प्राण को, प्राण को। Thank you.
मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, माता तेरे सीने में क्यों तूने मारा, ओ माता ओ पिता माता ओ पिता ओ माता, कौन कौन शरण कुमार विदा दीजिए, आ माता
ऐसा दर्द किया कि मेरे हाथों ही इस अनाथ और गरीब के बच्चों निर्भय को हलाक कर दिया। अच्छा अब मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरा करो और इन बेसहारों को सहारा दो। आइए लिए चलते हैं सुंदर से दृश्य की ओर। खासी वैसे जाती है ना जाने क्यों मेरी कलेजा मुझको आता है। निकलती जान क्यों मेरी स्वामी लाल मेरे को जरा आवाज दे देना। यो दाइयां फड़फड़ाती ना जाने आज क्यों मेरी। मेरे भगवान लगे ना धर्म दूर तक लाल मेरे को वह अंधों का सहारा है ना कोना लाल मेरे को। कोई जाकर बुला लाओ मेरे श्रवण बुलाने को जरा आवाज दे दो हमारे सहारे को। इन अंधों को कैसे दिखाऊं पानी मैं इन हाथों से कैसे पिलाऊं पानी। थाल भिया भिया सुनेंगे जे यह दम दम कहर के आंखों से बहाएंगे पानी। बेटा श्रवण बेटा श्रवण प्यारी ना जाने क्या बात है श्रवण को बोलता नहीं केवल कमंडल आगे करता है। बेटा क्या हमसे रूठ गया है बोलता क्यों नहीं हमें अधिक ना सता। बेटा यदि पानी पिलाना है तो हमें पहले आवाज लगा दो। अच्छा बेटा नहीं बोलना चाहते तो ना सही लाओ मुझे जल पिलाओ। अरे कौन है तू जल्दी बता कौन है तू हमारा श्रवण कहाँ है। मैं अयोध्या का। हाँ हाँ जल्दी बता मैं अयोध्या का राजा दशरथ और तुम्हारा श्रवण। हाँ हाँ हमारा श्रवण कहाँ है नूर अंधों का। हे दशरथ बताया जल्दी कहाँ श्रवण हमारा है। तू श्रवण को बुला कर ही
बुलाओ मैं उसे, बुलाने से अगर वह आता, द्वार का द्वार से इतना कि कौन संसार बहल जाता, वह बस भी दूर है, सरान जिस बस्ती में बसा है। अरे ये क्या कहता है, धोखे से लाल हो मारा बाण दशरथ ने, लगे बाण श्रवण के लिए प्राण दशरथ ने, मैंने समझा शेर हाथी बाघ कोई जल पीने को आया है, दे मारा सद गदी बाघ रवण। मेरे लाल बेटा, बेटा रवण, बेटा तू हमें छोड़कर चला गया, ओ हत्यारे दशरथ ले चल हमें हमारे बेटे के पास ले चल, नहीं तो आहारों की सीना चाक कर देगी तुझ पापी हथियारे को, जलाकर राख कर देगी। बेटा श्रवण तू कहाँ चला गया? माता जी धीरज से काम लो, हत्यारे तू हमारे श्रवण का कातिल है, तू हमें क्या धीर बंधाएगा? ओ खूनी जालिम, ये तूने क्या कर दिया? ओ श्रवण, ओ दशरथ, कान खोल कर सुन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, याद रख जिस तरह से हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण गवाएगा। दशरथ कानों को खोल और सुन राम जी का, सुन लिया है श्राप बंधों का, अब सुन श्राप सैंधी का, बेटे का शव कर्म हीन पड़ा, यह देख आहुति है मेरी, जब तू भी मरे तो ठीक वक्त अंत्येष्टि क्रिया ना हो तेरी। आह बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, मेरे लाल बेटा श्रवण। निर्दोष हो मैं चाहे भगवान सदकार, दोष रखता हो इन अंधों के दोनों श्रापों को माथा तरफ झाड़ता हूँ, झूठा अगर
अगर यह श्राप हो जाए तो भी दशरथ को सच्चा है। इस इन अंधों के श्राप से ही मुझ कर्मशील का बच्चा हो जाए। जय श्री राम।